सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड होपफुली आपका दिन अच्छा जा रहा है। तो आज है अगेन एक ब्यूटीफुल सा संडे मॉर्निंग। सो जब भी मैं मॉर्निंग ब्लॉग में आती हूँ तो हमेशा यही बोलती हूँ कि वेलकम बैक एंड इट्स अ ब्यूटीफुल संडे एंड इट इज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल संडे। मेरे सामने बिल्कुल खकी है गाइज एंड दिस इज द नेचुरल यू नो लाइट फॉलिंग। सो और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है बाहर, और धूप नहीं है ना बारिश है, हल्की हल्की हवा चल रही है एंड द वेदर इज अमेजिंग। सो गाइज आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। सोचा कि कुछ फन करते हैं आज वापस से। क्या करें, एक वीडियो देखा था यूट्यूब में एक डिजर्ट के लिए। सो लेट्स मेक इट एंड लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। और जो यूट्यूब वगैरह में दिखाते हैं कि कितना मतलब कैन यू रियली डू इट, उसमें तो बहुत इजी लगता है, सिर्फ 2 मिनट में हो गया है, लेकिन एक्चुअल में देखते हैं कि आज कैसे बनता है। मैं हूँ अपने इंग्रेडिएंट्स के साथ। सो बेसिकली इसके लिए हमें चाहिए 2 पेपर कप्स, इसके बाद एक ओरियो का बिस्किट और एक डार्क चॉकलेट डालेंगे। इस डार्क चॉकलेट को इसको इसमें मेल्ट करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो मैं डार्क चॉकलेट को कर रही हूँ मेल्ट। तो आज कुछ ये भी अभी डिजर्ट बनने वाला है। सो गाइस सी इट्स ऑलमोस्ट डन, ये हो चुका है मेल्ट। अब मैं लूंगी ये पेपर कप, पर वीडियो में तो इसमें अच्छा दिखाता है, इतना गंदा सा मेल्ट क्यों हो रहा है? ओह नो, ये तो बहुत गंदा हो गया। नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे। Oh, this is coming out as a blender. तो दोस्तों अब करेंगे राउंड टू, क्योंकि राउंड वन तो बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो चुका है और हमारी चॉकलेट जल चुकी है बहुत ज़्यादा गंदी। मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया था तो दैट वर्सन द सिचुएशन। तो अभी वापस से गया है बेचारा चॉकलेट लेने के लिए एंड वी विल गिव इट अ ट्राई वंस मोर। जो मैंने सोचा है, जो मैंने वीडियोस में देखा है, आई होप वही रिजल्ट आए गाइस। और फिर से एक और ट्राई करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो लेट्स ट्राई वंस अगेन, लेट्स गो गाइस, लेट्स डू इट। इसको हमने इसके पीसेस में काट दिए हैं, कुछ नए तरीके से हम लोग वापस से चॉकलेट को मेल्ट कर रहे हैं ताकि इस बार जले ना और हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाए दोस्तों। सो चलिए करते हैं ट्राई। सो प्लीज प्रे करोगे इस बार सही हो जाए दोस्तों। पहले मैं इतना ही डालती हूँ, कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड, आई थिंक वी हैव गॉट द रिजल्ट। सो गाइस मैंने किसी तरीके से इसको ऐसा लगा दिया है, मुझे नहीं पता कि व्हाट विल बी द रिजल्ट। लेट्स सी गाइस, देखते हैं कंसिस्टेंसी। ये वो ठीक है, फाइनल भी तो आना चाहिए। वैसे गाइस दिखने में तो सही लग रहा है, लेकिन तुम्हारा कहां है? तुम्हारा मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, ये फ्रीज करते हैं। सो गाइस इसको फ्रिज में रख दिया है अभी हमने, और बस इसको थोड़ी देर हम इसको फ्रीज होने देंगे और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट। सो दोस्तों अभी हम जब तक हमारे चॉकलेट्स फ्रीज हो रही हैं तब तक हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये ओरियो बिस्किट है, इसको इसका जो ये स्वीट पार्ट है इसको हम रिमूव कर देंगे। बस गाइस अगर कप्स खराब हो गए ना तो ये सारी मेहनत खराब है, आई डोंट नो फिर हम क्या करेंगे ऐसे बिस्किट का। ओरियो शेक करेंगे। मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, जल्दी जल्दी करो गाइस। मेरा कैमरामैन बहुत ही इंपेशेंट है। तो गाइस ये हो गया है, बस हम इसको इतना ही करेंगे। और अब हमें चाहिए होगी गोल्डी की है। अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता है कि गोल्डी कौन है। तो चलो गोल्डी के पास चलते हैं। हेलो गोल्डी, कैसे हो? सो दिस इज आवर गोल्डी, आवर ब्यूटीफुल प्लांट। गोल्डी से चाहिए होंगे 2 छोटे छोटे ब्रांचेस, तो मैं गोल्डी से ले लेती हूँ ये 1 एंड सॉरी गोल्डी एंड 2। सो गाइस थैंक यू गोल्डी फॉर हेल्प। इस
सारी प्रिपरेशंस हो चुकी है और फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए सब कुछ रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी। हमने चॉकलेट्स को फ्रिज में रख दिया है फ्रीज करने के लिए, ताकि चॉकलेट्स थोड़ा सा सॉलिड हो जाए और वो कप का शेप ले ले। सो होपफुली हमने उसको अच्छे से किया हो और जब हम कप को कट करें तो वो बिल्कुल अच्छे शेप में आ जाए जैसे हमने सोचा है। सारा हमने कर लिया है, सारा इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया है। लेट्स होप गाइस अच्छे से आए। और बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, जैसे कि आप मेरे बालों को उड़ते हुए देख सकते हो। बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं ये वाला डिज़र्ट ट्राई करके बनाऊं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया मैंने बनाया नहीं, तो फाइनली आज मैं बना रही हूँ। तो आई होप अच्छा बने, अच्छा निकले और एंड अच्छा हो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। चलो फिर मिलती हूँ आपसे जैसे ही वो चॉकलेट थोड़ी सी सॉलिडिफाई हो जाएगी। सो गाइस हमारा बन चुका है डिजर्ट और आप गेस करो क्या वो कैसे बना होगा। हमने बहुत कोशिश करी अच्छा बनाने की और वैसे तो ये मैं आपको यहाँ पे फोटो डाल दूंगी कि मैं एक्चुअली कैसे बनाना चाहती थी उसको, और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने डिजर्ट की फोटो। सो यहाँ है वो, ये रहा। कैसे बनाना चाहती थी, मैं चाहती थी कि ये चॉकलेट बिल्कुल एक मस्त फ्लावर पॉट के शेप में आए और इसके नीचे मैंने वेनिला डाला था और ये है ओरियो बिस्किट का जो क्रंच पार्ट रहता है और ये है मेरे गोल्डी का एक टहनी। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि बिल्कुल पॉट की तरह दिखेगा और मैं आपको सरप्राइज की तरह दिखाऊंगी ऐसे करके और फिर इसको खा के दिखाऊंगी, लेकिन मैं खुद ही सरप्राइज हो गई हूँ इसको देख के। तो अब मैं इसको खा के देखती हूँ ये कैसा हो रहा है। आइसक्रीम इज यम, मस्त हो रहा है गाइस, मस्त मजा तो आ रहा है। सो गाइस इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो को एंड। जो सोचा था वो तो मिला नहीं, बट ठीक है मैंने कोशिश जरूर की, एक चॉकलेट भी वेस्ट हुई इसके चक्कर में, कोई बात नहीं। तब हाथ लगाते टूट जा रहा था। अच्छा अब करने के बाद भी नहीं टूट रहा है, इतना हथौड़ा मारेंगे तो भी नहीं टूटेगा लग रहा है। अरे बाप रे, नहीं हो रहा। ठीक है यार, चॉकलेट अच्छा रहता है। बोलो बोलो कुछ तो बोलो। मैंने यही सोचा था गाइस कि यू नो ऐसे फ्लावर पॉट लगे और फिर मैं अजय को खिलाऊंगी एंड ही विल बी सरप्राइज्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो नहीं पाया। सो चलो अब मैंने आपको दिखा तो दिया है कि कैसा बना है हमारा डिज़र्ट। सो कुछ बोलना चाहते हैं आप? ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए एंड टाटा बाय बाय।